एक चौराहे पर हम मौजूद हैं और कुछ लोग यहाँ पर आपको खड़े हो नजर आ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नवाब अहमद मैम। तो इस बार चेयरमैन कौन बनेगा, किसे बनाना चाहते हैं? राजकुमार खुराना के चांस हैं। ऐसा क्यों? 15 साल हो गए बने थे। अच्छा, 15 साल। उनका विकास आज भी नजर आता है। अच्छा, तो वर्तमान जो चेयरमैन है ठीक है, लेकिन ये काम धाम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। कुछ समस्याएं लगती हैं जिन पर विकास हो पाएगा? सब समस्या ही है उनकी, जैसे कि किसी का कोई काम ही नहीं किया, इसीलिए हवा जाए राजकुमार साहब की तरफ। बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाहते हैं। चेयरमैन कौन? हम राजकुमार खुराना ही हैं। ऐसा क्यों? हर तरफ मैम लहर उनकी आ रही है। अच्छा, लहर है हर तरफ, क्योंकि कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, आधी रात भी चले जाओ, आधी रात भी हमारी साथ खड़े। तो जो वर्तमान चेयरमैन है उनका क्या कहेंगे, उनके बारे में किस तरह का काम रहा? मैम देखो, कोई भी काम हो, अब देख लो सड़क है, 15 साल हो गया, सड़क ज्यादा ज्यादा 2 साल भी नहीं चलती। राजकुमार की बनी हुई है मैम। तो सड़कें नहीं अच्छी बनी? कुछ भी नहीं मैम, ये जो बनी हुई है कुछ भी नहीं मैम। देख लो आप, हाल देख लो, साफ सफाई का कैसा है। आप किसे चाहते चेयरमैन? देखिए, मेरे तो पिता ही चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, राजकुमार खुराना जी। अच्छा। और देखो, प्रत्याशी तो है ही, मगर देखो प्रत्याशी से पहले हम एक नागरिक हैं, यहाँ के हम एक नागरिक हैं, हमारा भी वोट का अधिकार है। देखो, मगर मैं मेटा की जनता से एक अपील करूंगा कि देखो, अपनी तिजोरी तो हर कोई भरे, ऐसे नेता को बिठाओ नगर पंचायत अम्बेटा में जो ईमानदार हो, मेहनती हो, दमदार हो, जो विकास करावे। और एक बात और भी है जी, हमारे पिताजी ने 17-18 साल पहले विकास करा था, ठीक है जी, कोई गली नहीं छोड़ी, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और ये अब है सर समाज का विकास होगा, सर समाज को लेकर चल। क्या नाम है बड़े मियां? मोहम्मद मुबीन। तो कौन बनेगा इस बार चेयरमैन और किसे चाहते हैं? जिसे अल्लाह चाहे। अल्लाह चाहते हैं, आप किसे चाहते हैं? बस इस बस्ती में हमेशा अधिकतर मुसलमान बने। अच्छा, तो जातिवाद के आधार पर वोट देते हैं? नहीं, जातिवाद के आधार पर नहीं बनता। अच्छा, विकास का आधार भाई, अभी ये लड़का कह गया राजकुमार जी का कि हमारे पिताजी ने बहुत विकास किया। तो किया था विकास? हाँ, 1 करोड़ रुपए में टंकी बनाई थी। अच्छा, 1 करोड़ की टंकी बनी थी? हाँ, साली में 1 ग्राम पानी नहीं भरा जाता। अच्छा, तो विकास नहीं हुआ फिर? वो विकास हुआ सर। अच्छा, इसमें तो एक पानी भर रहा था, अब लोगों के मोटर चल रहे हैं, घुर घुर कर रहे हैं, लाइट खर्च हो रही है इसमें। अब वो टंकी वहाँ खड़ी हुई सलाम कर रही है लोगों को, उसमें पानी भर ही नहीं सकता, पानी भरना पड़ जाएगा। आपके हिसाब से कौन कराएगा? आप किसे? हमारा हिसाब किसे? कुछ नहीं है, अल्लाह पाक जैसे चाहेंगे बनेगा, अल्लाह के हुक्म कैसे बनेगा। अगर राजकुमार जी को चाह रहे वो बन जाएगा, और कोई और चाह रहे वो बन जाएगा। वैसे तो ये रहा है अंदाज, मतलब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। हाँ जी, अल्लाह। आप किसे देखते हैं चेयरमैन के रूप में? कोकी वकील है जी, हमारे भाजपा से एक सरकारी वकील है। अच्छा। अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया विकास करा सकते हैं। बेटा में अनपढ़ लोग तो विकास करा नहीं सकते, एक पढ़ा लिखा आदमी विकास करा सकता है बेटा पीर में, क्योंकि बेटा पीर में आज तक विकास नहीं हुआ इतना जितना उन्होंने बिचारों ने। पीर को ही क्यों चाहते हैं? कोकी असल में क्या है ना, वो भाजपा से है, भाजपा अच्छा विकास कर रही, मकान दे रही, हर तरह की सुविधा दे रही, राजनीतिक पार्टिकल के आधार पर। जी जी बिल्कुल, बीजेपी को विकास, जातिवाद या परिवार, विकास के ऊपर, विकास के ऊपर, विकास के ऊपर विकास हो रहा, सबका साथ सबका विकास पर काम हो रहा। और कोकी वकील अच्छा काम करेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति है, अच्छा काम करेंगे जी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। वर्तमान चेयरमैन को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह का काम रहा? बस काम तो कोई ऐसा ही है, सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। बाकी है, कोकी वकील अच्छे व्यक्ति हैं भाजपा से, उन्हें पूरा प्रयास रहेगा, पूरा सम्मान मिलेगा पब्लिक का, और जीत का आएगा 2-2.5 हजार। देखो जी, हम तो अपने सभासद के साथ है, नवाब भाई के। अच्छा, नवाब भाई के साथ है। किसका लग रहा है कि मतलब तालमेल किसका बेहतर है? तालमेल क्या जी, आज तक विकास तो किसी हर टक्कर है हमारे चेयरमैन से जीतेंगे। राजकुमार खुराना, राजकुमार खुराना, काम कराया था। हाँ, पहली योजना में बहुत काम होया, पहली योजना में बहुत काम होया। बता जा नवाब साहब, किस तरह का काम रहा वर्तमान में? तो बस काम ऐसा ही रहा, जहाँ होया कुछ नहीं, बस ढीला सा ही काम। समस्या तो सारी टुल्लू पंप से पानी आवे, एक हमारे जैसी भी अध्यक्ष बैठे हैं बीजेपी, ये टुल्लू टुल्लू पंप से जो पानी, ये जो टुल्लू पंप से
ये जो टुल्लू पंप से पानी आ रहा है राजकुमार जी की देन है, भाई के मुंह से निकल गई बात। वो सफेद हाथी वहां बना हुआ खड़ा ना, और राजकुमार जी ने बनाया था अपनी योजना में। अच्छा। हाँ, ये हमारा भाई सही का सही बोल गया, जो बात इसके दिल में थी ना जुबान पे आ गई। कह तो वो राजकुमार को, तुम उसी से उसी का सपोर्टर है। मतलब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, वोट भी उन्हें देनी है। नहीं, उन्होंने काम बहुत करवाए, सड़क उन्होंने ही बनवाई। साथ है जी राजकुमार खुराना के साथ। ये जो टंकी की शिकायत कर रहे हैं, कुछ टंकी की शिकायत करते नजर आए मुझे लोग। जब राजकुमार साहब की योजना थी, टंकी बनाई थी, उनका जो कार्यकाल खत्म हो गया, आगे 10 साल मिले उसे सही करा लेते, या जो काम जहाँ रुका था वहीं का वहीं रुक गया। तो वर्तमान चेयरमैन ने कुछ किया उसपे काम? अगर कराते थे शिकायत नहीं करते कि टंकी नहीं चल रही है। 5 साल लगते हैं कि भाई साहब, पहले टंकी थी, उसके बाद ये 1 साल पहले बनानी शुरू करी थी, 1 साल का कार्यकाल रह गया था। अच्छा, तो वो उसके कार्यकाल में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, वो आज तक जो भी तू है। तो ये थी जनता की राय। कोई कहता है कि नहीं मलिक है रेश में, और कोई कहता है खुराना है। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे सिटी वाइब। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।